हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सभी भाइयों को राम राम। तो गाइज, दिल्ली पिजन लवर्स में आपका स्वागत है। तो गाइज, शाम के बज रहे हैं 6 और 6 बजे आ चुका है तुम्हारा भाई छत पे तुम लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो जो है हमारी, देखो ये सारी मादी ने खुली हुई है, और जो हमारे चैनल पे ना, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते भाई, वीडियो के साथ साथ लाइक भी लगा रहे हो, उससे तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, जो मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कबूतर वैसे लेट तुम्हारे लिए वीडियो लाता रहा हूं। तो जो नए व्यूवर्स हैं फटाफट बेल आइकन दबा दो और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लो। तो ये मादी ने खुली हुई है और नर में आप लोगों को पता था एक मेरे पास खाल थी, लाल खाल, लाल कलर की खाल थी। तो भाई उसको दिखाऊंगा जब मैं छत पर आया पानी पिलाने कबूतरों को 3:30 बजे के आसपास। तो देखा मैंने भाई खाल मेरी मरी पड़ी है, तो इसी में वो खाल, वो अभी निकालूंगा भाई, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जवान भाई से वीडियो बनवाएंगे, खाल निकाल के लाता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, ठीक है। उसके बाद जो है दिखाएंगे आपको अपना शौक। भाई बहुत अच्छी खाल थी, बहुत बढ़िया थी, उड़ती लड़ती भी खाल थी, और बेचारी मर गई कल सुस्त सी थी, उसके चोट वोट लग गई थी उड़ते में, कुछ उसके लग गया था बाजू पे, तो बाजू हैंड से हल्की हल्की कर रही थी। तो कल दाना उनने थोड़ा कम खाया था, तो मुझे लग ही रहा था इसकी कंडीशन ख़राब है। तो भाई आज जब मैं आया तो उसका काम हुआ हुआ था। तो दिखाता हूँ भाई, अभी मादी ने खुली है, तो जाता हूँ मैं अंदर और निकाल के लेकर आता हूँ भाई, फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ भाई, तो गाइज अब जो है सैदी के कबूतर भी खुल चुके हैं। पहले खाल दिखाऊंगा आपको, फिर सैदी से लड़ाएंगे कबूतर। कल भी मैंने आपको लड़ाइयाँ दिखाई थी। तो भाई फटाफट जो है चैनल सब्सक्राइब कर ले करो, खाल दिखाता हूँ जो हमारी मर गई है, तो निकाल के लेके आता हूँ भाई। देखो भाई ये थी हमारी लाल खाल, वही रहो आप, पीछे जाओ। तो भाई ये थी हमारी लाल खाल, आप लोगों ने देखी होगी, बहुत अच्छी कबूतरी थी। ये देखो बहुत अच्छी कबूतरी, चींटियां लग गई हैं इसे। पापा ये तो वही है ना, समझ, जो जवान भाई के हाथ पे आके दाना खाती थी वही कबूतरी है, और ये मर चुकी है। अब जवान भाई किसे हाथ पे दाना खिलाएंगे? ये जवान भाई के हाथ पे आके दाना खाती थी, बहुत अच्छी कबूतरी। पापा इसके पलों में क्या लग गया था? और भाई देख सकते हो सारे हमारे कबूतर खुले हुए हैं, और भाई ये जो खाल हमारी मरी है ना, ये जवान भाई के हाथ पे दाना खाती थी, और जवान भाई को बहुत दुख है। जवान भाई कैसा लग रहा है, आपकी पसंदीदा खाल जो थी वो मर गई है, आपको अफसोस नहीं हो रहा? लेकिन हीरे पे हो रहा है, हीरा पे ज्यादा हो रहा है, दोनों पे हो रहा है, अफसोस हो रहा है। डायमंड अबे यार पागल हो गया भाई, डायमंड को जवान भाई डेली छत पे लेकर आ जाते हैं। ये रहा, ये भी बेचारा बीमार हो रहा है, ये इसका भी काम हो ही जाएगा, टाइम हो जाएगा, ये भी बचेगा नहीं, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मैंने इसका काफ़ी ट्रीटमेंट कर दिया, काफ़ी सब कुछ करके देख लिया, मगर ये बीमारी है, सही होने का नाम नहीं ले रहा। और जवान भाई, तो भाई ये कबूतर हमारे खुले हुए हैं और अभी आपको लड़ैया दिखाएंगे, ठीक है। कबूतर उठाता हूँ तो फिर सैदी भी उठाएगा, फिर दिखाएंगे लड़ैया। तो भाई ये कबूतर उठा रहा हूँ, सैदी की छत पे ही जाते हैं भाई, ये देखो चल दिए, वो चल दिए। सैदी ने कबूतर ही नहीं उठाए तो हमें बिठाने पड़ेंगे, उठाए नहीं उनने कबूतर, तो बिठा लेते हैं। बिल्कुल सैदी की छत पे जाके भैया बल मारते हैं, अब आ रहे हैं वापसी। आओ आओ आ बेटे, लड़ने के आदी है ना, लड़े बगैर सुनते नहीं आवाज। तो जवान भाई आपकी खाल चली गई, आपको कैसा लग रहा है यार? अच्छा नहीं लग रहा, दुख हो रहा है? हाँ। वो आपके हाथ पे दाना खाती थी, मर गई बेचारी। अच्छी थी वो तो, कबूतरी हाथ पे भी आती थी सबके हाथ पे आती थी। हाँ लेकिन मर गई। हाँ आओ आ आ आ आ आ आ, बहुत ऊंचे होकर उड़ रहे हैं इस गर्मी में, आओ आ बेटा आओ आओ आओ, आ गए भाई सारे, आ बेटे
आओ, ये आ गए भाई सारे कबूतर, सब आ गए। और अभी आपको जो है जोड़ों का सेटअप भी दिखाएंगे, जोड़ों में हमारे जो है ब्रीडिंग सेटअप में बच्चे निकला है निकला, ये भी आपको दिखाते हैं। और निकलने वाले हैं दोनों में से किसी ना किसी के आज बच्चे ज़रूर निकल गए होंगे, क्योंकि जो है काफ़ी दिनों से अंडा जो है चटका चटका सा दिख रहा था, तो आज हो सकता है बच्चा निकल गया हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी ब्रीडिंग सेटअप, ठीक है भाई? तो अब इसके बाद जो है ब्रीडिंग सेटअप दिखाते हैं हम आपको। तो गाइज ये अपना ब्रीडिंग सेटअप, और देखो ये उस वाले हमारे चिंटू में से बच्चा निकल आया है, एक बच्चा निकल आया है, और आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक निकल आया है। और इधर वाले में से अभी निकलना रह गया है, ये अंडे रखे हुए हैं, इनमें से भी निकलने वाला है, क्योंकि एक साथ अंडे दिए थे, एक आध दिन में इसमें से भी बच्चा बच्चा निकल आएगा। और ये हमारे शेर का बच्चा इधर रहेगा, ये रहा, ये बैठा हुआ काफ़ी बड़ा हो गया माशाल्लाह, शेर बोला शेर है, तो शेर का बच्चा नहीं दिखा रहे सुहान भाई, शेर ये रहा, और वो उसका बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया माशाल्लाह। और इन अंडों में से भी बहुत जल्दी बच्चा निकल के आएगा, वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और मादी ने कर दी हमने बंद, शानू भाई से लड़ाए एक हाथ, और आज अबूजर आया नहीं तो वीडियो बनाने वाला कोई है नहीं, खुद ही वीडियो बना रहा हूँ, क्यों भाई जवान भाई? और जवान भाई अभी छोटे हैं तो इस वजह से ज़्यादा अच्छी वीडियो जवान भाई के हाथ से बन नहीं पाती, फिर भी बहुत अच्छी बनाते हैं, क्यों भाई जवान भाई? और ये भाई हमारा ब्रीडिंग सेटअप सारा, और हम इसका शौक आप लोगों को दिखाते रहेंगे, क्योंकि अभी बच्चे निकलने वाले हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो अब खोल लेते हैं नर, नर का शौक कराते हैं आप लोगों को। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और इस गर्मी में कबूतर भाई बावली खेल जाता है। हटो बीच में से, हटो ये उड़ गए भाई कबूतर, ये सारे नर हैं भाई। और ये भाई जो देखो पट्ठा हमने पकड़ा था वो इसमें मिला रखा है, ये रहा उड़ जाता है ये भी कभी कभार, मगर क्या है पट्ठा ही एक पटेत पकड़ा था ये, निकालो उन्हें भी निकालो जवान भाई, तो जवान भाई घुस गए निकालने, चलो आ जाओ निकल गए, कर दो बंद भाई। जवान भाई मेहनत कर रहे हैं आजकल, कबूतर निकालने के लिए घुस गए थे। और ये हमारे नर है भाई, नरों का शौक कर लो। हाँ बेटे ये आ गए भाई सारे नर नीचे, क्यों भाई जवान भाई काय पे लग गई पोटी? ओहो पोटी लग गई, तुम यार शैतानी क्यों कर रहे हो फिर, लगेगी वो तो, इधर उधर भागोगे, एक जगह बैठ जाओ जवान भाई, जाल में डाल दिया। और भाई वो खाल जो थी वो जवान भाई की बड़ी फेवरेट कबूतरी थी जो मरी है। आ ये दोनों उधर भाग रहे हैं अकेले, आ बेटा आओ 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 आओ, जी भाई अपने सारे नर, आ बेटे कहाँ लगा ली, कहाँ लग गई हाथों में, ओए होए जवान भाई के, जा हाथ धोले, रुक जा मैं अभी पानी डालूंगा, जवान भाई के हाथों में पोटी लग गई। मैं कहता हूँ ना एक जगह बैठा रहा कर, इधर उधर मत भागा कर, अरे सनाया ओ सनाया कपड़ा दियो जरा कपड़ा, ये देखो जी कबूतर उड़ गए, लड़ैया दिखाएंगे, ये नर है भाई, नरों की लड़ैया दिखाएंगे, और ये शानू भाई से हो गई लड़ैया, ये हो गई लड़ैया भाई,
भाई सारे कबूतर लड़के। हाँ बेटे आ आ आ आ, ये रहा अपना पट्ठा, ये नहीं उड़ाता। हाँ बेटे आ आ आ आ। तो गाइस बहुत दुख की बात है, हमारा डायमंड मर गया बेचारा, कई दिनों से बीमार हो रहा था। और जुहान भाई बहुत बेचारा यार मर गया डायमंड, ये जुहान हमारा बहुत रोया बेचारा, खूब रोया इसके चक्कर में डायमंड के, क्योंकि डायमंड से जुहान क्या जा रहा था, मुझे लग रहा था जिंदा, जब बताऊं उठ ही नहीं रहा था जब तुम आए यार। अच्छा तो अब इसे जुहान भाई दबाने जा रहे हैं, है जुआन भाई दबाने जा रहे हो उसे, क्यों पन्नी में रखते हैं, पन्नी में रख के जाएंगे। जुआन भाई कह रहे हैं पापा इसे हम दबाएंगे, क्योंकि जुआन जुआन निशान के चूजे भी है, वहाँ जहाँ दबाए तुमने, जुआन इससे बहुत प्यार करता है, कह रहा पापा मैं इसे खुद दबाऊंगा अपने हाथों से। और जुआन को बहुत दुख हुआ, बहुत रोया जुआन, क्योंकि जुआन इससे बहुत प्यार करता था, डायमंड को खिलाता रहता था जुआन। चलो चलो जुआन भाई इसे पन्नी में रख लो उठा के, यार तुम तो डरते हो जुआन भाई, डरना नहीं मैं, फिर लो। तो जुआन जुआन अभी से दबा, चलो चलो तो जुआन अब लेके जा रहा है दबाने, चलो नीचे मट्टी में इसे दबाएगा जुआन। तो भाई ये जुआन भाई जा रहे हैं अपने डायमंड को दबाने, क्योंकि जुआन भाई कह रहे थे पापा मैं इसे खुद दबाऊंगा। और जुआन हमारा बहुत रोया था भाई जब ये डायमंड मरा था, तो ये कह रहे हैं जहाँ आलिशान के चूजे दबे हुए हैं ना पापा, चलो आगे चलो आगे आगे दबाएंगे। तो ये किसी ग्राउंड में आ गए जुआन भाई लेके हमें, यहाँ दबाएंगे मट्टी में, खोद लो किसी चीज से ना, इधर आओ इधर 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 आओ इधर, यहाँ के चूजे भी रखेंगे, यहाँ दबाएंगे या वहाँ दबाएं, पेड़ के नीचे, हाँ पेड़ के नीचे, चलो पेड़ के नीचे दबाएंगे, उस पेड़ के नीचे दबाएंगे जवान भाई, चलो हम तो ये हम यहीं खोद के दबाएंगे। जवान भाई ने चूजे भी यहीं दबाए थे अपने, इधर आओ इधर, मेरे चूजे नहीं, आलिशान के थे, यहाँ दबाएंगे, लाओ इधर लाओ, आओ जल्दी आओ, मुझे दादी का घर भी, आओ आओ जल्दी इधर आओ, यहाँ दबाएंगे, चलो गो, मैं तुम मत खोदो जवान, मैं खोद तो रहा हूँ। तो भाई यहीं दबाएंगे, ज़्यादा खोद के दबाएंगे जिससे कि कोई कुत्ता उत्ता निकाल ना सके, वरना कुत्ते निकाल लेते हैं सूंघ के। चलो जवान इसको इसमें रख दो, हाँ ऐसी पन्नी समेत रख दो, इसको या ऐसे, नहीं 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 पन्नी समेत बेटा, पन्नी समेत, चींटी लग जाएंगे वरना, ठीक है बाय डायमंड, बाय डायमंड, अब इसको ऐसे ऐसे खोद दो, हाँ ये जवान इसे कह रहे हैं बाय डायमंड, रुको 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 जब मैं बोलूँ, चलो डाल दो मट्टी, दबा दो इसे। ये भाई जवान भाई ने जो है अपना डायमंड दबा दिया है, और जवान भाई इससे बहुत प्यार करते थे यार, इसलिए जवान भाई खुद अपने हाथों से दबाने आए, पूरा दबाऊंगा कहीं या कुत्ता कुत्ता नहीं। हाँ ये भाई देखो जवान भाई ने पूरा वो कर दिया मट्टी एक सार। चलो यार जवान भाई आपका डायमंड गया, अब आप उसका नाम डायमंड रख देना जो आपका दूसरा वाला है ना, और हमने इसे पेड़ के नीचे दबाया भाई, आप उसका नाम डायमंड रख देना अपने वाले का, ठीक है, ठीक है चलो। तो गाइस देख सकते हो भाई जवान भाई ने डायमंड जो है दबा दिया, बेचारा मर गया, बीमार हो रहा था काफ़ी टाइम से, इसकी दवाई मैं कर रहा था, वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा जवान के पापा आपकी वजह से हुआ है, तो भाई उसको हमने दबा दिया, अब जा रहे हैं घर। और मैं आपको अब दूसरा वाला दिखाता हूँ अपना, उसका नाम जवान भाई, उसका नाम डायमंड रख दो, उसका नाम डायमंड रख दो, उसका नाम डायमंड रख देंगे जवान भाई। तो गाइज ये था आज का शौक, आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना जरूर भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जो कबूतरबाजी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहेगा, बस सपोर्ट करो, बहुत अच्छी सपोर्ट करो, माशाल्लाह 70,000 सब्सक्राइबर हमारे पार हो चुके हैं, 70,000 जो आप लोग इतनी सपोर्ट प्यार है भाई, 100K करवा दीजिए, सब भाइयों की बहुत बहुत शुक्रिया अपनी सपोर्ट करने के लिए, जल्द से जल्द 100K करवाइए, फिर बनाएंगे 100K का सेलिब्रेट। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।